हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, आपका रिजल्ट आने वाला हो और उसके ठीक एक दिन पहले किसी और का रिजल्ट आए और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए, अब बताओ आपका टेंशन कम होगा या और बढ़ जाएगा? निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। और ऐसा ही हुआ है हमारे CBSE बोर्ड के उन बच्चों के लिए जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। ICSE ISC का रिजल्ट आ गया। पूरा दिन पेपर आपने देखा होगा, TV आपने देखा होगा, ऐसे बच्चों की चर्चाएं होती रहीं जो मूसलाधार अंकों को प्राप्त करके और इस बार ताबड़तोड़ एकदम धुआंधार नंबरों से पास हुए हैं। बहुत सारी बधाइयां उन बच्चों को जो इतना अच्छा नंबर पाए हैं ICSE और ISC बोर्ड के। अब देखो, रिजल्ट के ठीक एक दिन पहले आपके तनाव को इसने बढ़ाया होगा, क्योंकि जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, उसकी उपलब्धियों को देखते हैं, तो हमारे अंदर एक घबराहट सी महसूस होती है, वो भी तब जब हम किसी परिणाम का इंतजार कर रहे हों। अब बच्चों, मैं इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि आपको क्या तनाव लेना है या नहीं लेना है, रिजल्ट के ठीक पहले का तनाव कैसे दूर करेंगे, और रिजल्ट के बाद में अगर आपके नंबर कम आते हैं या आपको कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए आपके पास में कौन कौन से विकल्प होंगे, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हमको ये बता दीजिए कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं और आपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया है, कंपार्टमेंट का या रेगुलर या प्राइवेट, किस कैंडिडेट के रूप में आप परीक्षा दे रहे हो और इंतजार है आपको, टेंशन है या नहीं, ये भी हमको बताइएगा। बात करते हैं कि किस किस को टेंशन है आपके रिजल्ट की। तो सबसे ज़्यादा टेंशन तो आपको है क्योंकि रिजल्ट आप ही का आने वाला है। लेकिन बच्चों, सिर्फ आप ही टेंशन में नहीं हो, टेंशन में हैं आपके माता पिता, जिन्होंने आपके इस रिजल्ट वाले दिन के लिए आपके लिए बहुत सारी मेहनत की थी, आपको सपोर्ट किया था। आपको देख करके आप तनाव ना लें, आपकी वजह से उनको भी तनाव होगा और कहीं ना कहीं वो इसको छुपा रहे होंगे कि आप तक ना पहुंचे, लेकिन तनाव उनको भी होता है कि मेरे बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ जाए। और सभी लोग ये चाहते हैं, निश्चित रूप से उनकी भी मनोभावनाएं होंगी, मनोकामनाएं होंगी कि आपको नंबर अच्छा मिले। दूसरा, आपके वे टीचर जिन्होंने आपको डायरेक्टली पढ़ाया होगा, आपके स्कूल वाले, ये सब कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को लेकर के तनाव में होंगे कि रिजल्ट अच्छा आए, लेकिन जितने तनाव में आप हो उतने तनाव में कोई नहीं होगा, क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हो और निश्चित रूप से ये तनाव ज़्यादा होता है। अब इसको दूर कैसे करेंगे बच्चों, मैं इसके लिए आपको एक अपने जीवन की घटना बताता हूँ। बात है 2003 की, 2003 में 10th का एग्ज़ाम था मेरा, यूपी बोर्ड में मैं पढ़ता था, हिंदी मीडियम का बोर्ड होता है यूपी बोर्ड, आप लोग जानते ही होंगे। पहले से पता था कि 22 जून के दिन रिजल्ट आने वाला है, लगभग लगभग 20 दिन पहले पता हो गया था। उसी साल वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया हार गई थी, ऑस्ट्रेलिया जीती थी वर्ल्ड कप क्रिकेट में, और हम लोगों का पूरा शेड्यूल एग्ज़ाम का उसी वर्ल्ड कप क्रिकेट के बीच में पड़ा था, और उसका बहुत अच्छा प्रभाव हमारे एग्ज़ाम के नंबरों पर भी पड़ा, क्योंकि उधर भी हम लोग ध्यान दे रहे थे, इधर भी दे रहे थे, तो उसकी वजह से एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे नहीं गए थे और तनाव था। पता था 22 को रिजल्ट आएगा, तैयारी हुई। 2-3 साल पहले से ही यूपी बोर्ड ने ऑनलाइन रिजल्ट देना शुरू किया था। हम लोग 40 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पर गए, क्योंकि गांव में या कस्बों में इस इंटरनेट की सुविधा ही उस टाइम पे नहीं थी। रिजल्ट आया 22 को, रिजल्ट हमने देखा, बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, और बस खुशी इस बात की थी कि मैं पास हो गया था। अब आप सोचोगे कि सर, पास होने की खुशी? बच्चों, पास होने की जो खुशी होती है ना, वो बड़ी कमाल की होती है। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस लेवल तक। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। अब क्यों कमाल की होती है? हमारे स्कूल में थे 350 बच्चे और पास हुए थे 19, मात्र 19 बच्चे पास हुए थे, बाकी सब फेल हो गए थे। और पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट ऐसा ही आता था, अगर आपके मम्मी पापा या कुछ लोग रहे हों यूपी बोर्ड में, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि यूपी बोर्ड का इतिहास क्या रहा है, तो वो उस टाइम पे अच्छा रिजल्ट था स्कूल के लिए भी कि 19 बच्चे पास हो गए, नहीं तो कुछ कभी कभी तो बहुत धराशायी हो जाते थे। तनाव था बच्चों बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने एक चीज़ अनुभव किया
कि जो टाइम होता है ना उसको इंजॉय करने की कोशिश करिए। अब जब आपको पता है कल रिजल्ट आएगा, परसों रिजल्ट आएगा, और आप इस बात को लेकर के सोचेंगे कि अरे रिजल्ट आएगा, मेरा नंबर कैसा आएगा, आप कंपेयर करोगे दूसरों से कि ऐसा ना हो उसका ज़्यादा आ जाए, मेरा कम आ जाए, ये सारी चीज़ें कष्ट देंगी आपको। अरे ये भी हो सकता है ना कि जिससे कंपेयर कर रहे हो कि उसका ज़्यादा ना है, हो सकता है आप ही का ज़्यादा आ जाए, तो अभी तनाव लेने की क्या ज़रूरत है। अगर आपके मन में अपने करियर को लेकर के सवाल हैं कि इससे कम नंबर आया तो मेरा क्या होगा, तो एक बात जान लो कि आप किस क्षेत्र में जाएंगे, आगे चल करके क्या बनेंगे, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जाएंगे ही ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये डिसाइड करने वाला कोई और है। बहुत सारी उसमें आपका परिश्रम और आपकी लक साथ देती है, तब आप वहां पहुंच पाते हो, बट आप सोच सकते हो कि इस रास्ते पे मुझे जाना है, हो सकता है कोई रास्ता बदल दे। तो बहुत सारी चीज़ें जो अपने हाथ में नहीं हैं, जो आप नहीं कर सकते, उसके बारे में सोचने का क्या मतलब बनता है। तो सोचिए ही मत कि मेरा नंबर इतना नहीं आएगा। देखो, जब हम वर्तमान में जीते हैं, भूत की बातें नहीं सोचते, भविष्य की बातें नहीं सोचते, तो तनाव कम होता है। जब हम भूतकाल को देखते हैं, भविष्य काल को देखते हैं और वर्तमान से असंतुष्ट हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा तनाव का कारण यही बनता है। बच्चों, आप तनाव ना लो, तनाव लोगे तो जो आपका अच्छा रिजल्ट आने वाला है, अगर वो अच्छा आएगा भी, उस कंडीशन में भी आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। इंटरमीडिएट में मेरा रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन उस टाइम पे मुझे कोई तनाव नहीं था क्योंकि एग्जाम्स अच्छे गए थे। अब देखो, जब आप इस सब तरीके की बातें सोचते हो तो उसका नकारात्मक प्रभाव एक दो दिन के लिए नहीं होता, आपके आगे की पढ़ाई को भी डिस्टर्ब करता है। अब अगर घर वालों की वजह से तनाव में हैं कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे, पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, हमारे ये फ्रेंड क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ऐसा रिजल्ट आया, उनके सोचने से क्या फर्क पड़ता है। आप बताओ, क्या कभी किसी की सोचने की वजह से आपने खाना कम या ज़्यादा खाया है? क्या किसी के सोचने की वजह से आप रेस में कम तेज दौड़े हो कि वो क्या सोचेंगे अगर मैं पास हो गया या मैं अगर दौड़ में नंबर वन आ गया? किसी के सोचने से अगर आप काम करोगे तो आप हमेशा असफल होंगे बच्चों। तो वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में मत सोचिए। अगर आपको ये लगता है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा तो भी क्या हुआ, बहुत सारे अवसर आपके पास में हैं। आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आपके नंबर कम आ गए, तो अभी ऑप्शनल एग्ज़ाम होना है। अगर आपका एग्ज़ाम छूटा हुआ है, नहीं दे पाए हैं, तो उसमें मौका मिलेगा। अगर हो गया है पूरा एग्ज़ाम और मौका उसमें नहीं मिला, तो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम होता है, ये आप जानते ही हो। जितने सब्जेक्ट में चाहो उतने सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सकते हो, तो उस कंडीशन में भी आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कहीं मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो फेल होने वाले बच्चों के साथ में भी कंपार्टमेंट की परीक्षा होती है, ये भी आप जानते हो। तो जब इतने सारे विकल्प आपके पास में मौजूद हैं, उस कंडीशन में अपने तनाव को और बढ़ाना या किसी और की सफलता से अपने रिजल्ट को कंपेयर करना, ये बुद्धिमानी नहीं है बच्चों। रही बात CBSE और ICSE, ISC बोर्ड के रिजल्ट की, कंपैरिजन की, कि उनका रिजल्ट इतना अच्छा आया तो आपका कैसा आएगा। देखिए, एक मूलभूत अंतर है दोनों बोर्ड के बनावट में, या यूं कहिए कि मार्किंग स्कीम में। सिलेबस कमोबेश वही है, पढ़ाई का तरीका अलग है, और मूल्यांकन की जो विधि है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफरेंट है। इस बार उन बच्चों को नंबर मिला है और उम्मीद ये है कि ऐसे ही मूल्यांकन हुआ है CBSE में भी। अब मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, बट ये जान लो कि इससे कम नंबर CBSE बोर्ड में भी नहीं आएगा। ऐसे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ जो ICSE और ISC के थे, हमारे कोचिंग में पढ़ते थे। अगर मैं कंपैरिजन करता था CBSE के बच्चों से, तो वो आधे थे इंटेलिजेंस में, IQ लेवल में, फिर भी उन बच्चों के 80% प्लस मार्क्स आए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बार CBSE में भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा। तो इस चीज़ को तनाव तो बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपको नंबर कम मिलते हैं तो आपके पास में फोटो कॉपी देखने का, मार्क्स को रीवेरीफाई करवाने का या कॉपी को रीचेक करवाने का ऑप्शन तो होगा ही होगा। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम,
कंपार्टमेंट एग्जाम, या अगर आप दो से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या हुआ, अगले साल एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे और प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भर देंगे। तो तनाव लेने का कोई भी मतलब आज के इस टाइम में नहीं बनता बच्चों। और मेरा तो ये मानना है कि आपका रिजल्ट ICSE और ISC के रिजल्ट से बहुत अच्छा आएगा, तो अभी तो तनाव लीजिए ही मत, क्योंकि अगर वो दे सकते हैं तो CBSE भी किसी मामले में पीछे नहीं है, और वो भी आपके हितों का ख्याल रखेगी। हम एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और आपको ये निश्चिंत करवाना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा, ये मान करके खुश रहिए। और जो भी होगा आपकी भलाई के लिए होगा, जो नंबर मिलेगा वो आपकी मेहनत का परिणाम होगा। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।